बच्चों नमस्कार। 1000 डिवाइडेड बाई 1/2, इसको आप ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। वीडियो पूरा देखें। देखिए, हम 12 का भाग कब दे पाएंगे या किसी भी संख्या का भाग कब दे सकते हैं, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। दो अंक की संख्या दो अंक के साथ तुलना करो। क्या 12 से बड़ी है? नहीं। अगला अंक शामिल कर लो। अब 12 से बड़ी है क्या? यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 का टेबल कितनी बार लें कि 100 से बड़ा ना है। लगाओ दिमाग। 12 का टेबल मैं लेता हूँ 7 बार, ठीक है। 12 का टेबल मैं लेता हूँ कितनी बार? 8 बार। 16 एक एरे चला गया, 96 आ गया। तो ये डिवाइड हो गया 8 बार, कितना आ गया? 96। फिर हम इसको घटाते हैं, 100 में से 96 गया, कितना आ गया? 4। ऊपर से 0 यहाँ लेके आते हैं। 12 का टेबल हम 3 बार लेते हैं, कितना आता है? 36। ये डिवाइड हो गया 3 बार, कितना आ गया? 36। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ रहा है? 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 83/4/12। या आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट लो, 0 लिख दो। फिर कितना? 3 बार हो गया, कितना आ गया? 36। फिर माइनस किया, 4 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर हो गया 3 बार, फिर आ गया 36। फिर माइनस किया, 4 आ गया। पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। ये सिलसिला चलता रहेगा। ये आपका आंसर कितना आ रहा है? 83.333, ठीक है। इसको इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए और आसान हो जाएगा।